धोबी घटवा मोड़ के समीप स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक शाखा अनाइट आरा में अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा बैंक प्रबंधक को मारपीट कर घायल करते हुए अन्य कर्मियों को बंधक बनाकर करीब 30,27,000 रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त घटना की सूचना पाते ही सुशील कुमार पुलिस अधीक्षक भोजपुर के नेतृत्व में पुलिस दल ने तत्काल उक्त बैंक में जाकर वस्तु स्थिति घटना के तरीकों से खुद को रूबरू किया। पुलिस अधीक्षक ने घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमरीश राहुल के नेतृत्व में ललन कुमार शंभु भगत, थानाध्यक्ष आरा नवादा संजीव कुमार, चंदन झा नवादा थाना, मनोज कुमार नवादा थाना, प्रशांत कुमार, एक विशेष अनुसंधान दल SIT का गठन किया गया, जिसे इस घटना का त्वरित अनुसंधान उद्भेदन गिरफ्तारी एवं बरामदगी की जिम्मेदारी सौंपी गई। विशेष अनुसंधान दल SIT के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्वप्रथम बैंक में क्रियाशील CCTV फुटेज, आसपास के अन्य CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया। बैंक कर्मी से पूछताछ की गई, अगल बगल के लोगों से डकैती के बारे में सूचना इकट्ठा किया गया। CCTV फुटेज के अवलोकन से यह बात सामने आई कि कुल 5 लोग बैंक के अंदर प्रवेश किए थे, उसमें से 4 लोग अपना चेहरा गमछे से ढके हुए थे और एक व्यक्ति ने अपना चेहरा नहीं ढका था। पांचों के हाथों में एक एक पिस्टल थी। इन पांचों ने बैंक के अंदर गोलियां चलाई और बैंक कर्मी से मारपीट की और लूट कर चले गए। बैंक मैनेजर ने अपने रिकॉर्ड की जांच कर बताया कुल 30,27,000 की लूट हुई है। एक व्यक्ति जो चेहरा नहीं ढका था, फोटो निकाला गया, उस फोटो का अनुसंधान कर आधार पर उसकी पहचान कराने का प्रयत्न शुरू किया गया। विश्वसनीय सूत्रों ने उक्त व्यक्ति की पहचान कुख्यात अपराधी बोतल महतो के रूप में की। बोतल महतो को ढूंढने के लिए विशेष अनुसंधान दल SIT ने कई दल बनाकर छापेमारी शुरू की। बोतल महतो के संभावित ठिकानों पर अलग अलग दल छापेमारी करने लगी। इधर DEIU की टीम तकनीकी आधार पर अनुसंधान कर पर अलग अलग दल